इस बात के कोई भी दो राय नहीं है कि तेजस्वी प्रकाश वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर हैं बिग बॉस 15 की, और उन्हें तंग करने के लिए लोगों को बड़ा मजा आने वाला है और अच्छा खासा फुटेज उन लोगों को मिल जाएगा जो कि तेजस्वी के अगेंस्ट होंगे। अब ऐसे में अफसाना खान, जो कि तितलियां जैसा अमेजिंग सॉन्ग गा चुकी हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि मैं हाथ धोकर तेजू के पीछे पड़ जाऊंगी। आइए इस वीडियो में बताता हूं एक सब इंपॉर्टेंट बात कि कैसे तेजू को तंग करने के लिए, तेजस्वी प्रकाश को तंग करने के लिए बड़ा कदम। स्वागत है आपका फीफा फूज में, आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं मैं राहुल भोज के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो अवश्य करें। दोस्तों अगर बात करें तेजस्वी प्रकाश की, तो तेजस्वी प्रकाश ने बिग बॉस के घर में जब एंट्री मारी तभी लोगों को लग गया कि शी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर जो कि टॉप 5 में आएंगी। कई लोग तो ये तक कहने लगे थे कि भैया तेजस्वी प्रकाश तो ट्रॉफी भी उठा सकती है, लेकिन ये ट्रॉफी की जर्नी इतनी आसान नहीं है। उमर से लेकर अपने जय भानुशाली से लेकर आपके करण कुंद्रा तक, ये सभी लोग जो है कहीं ना कहीं शामिल हैं उन्हें हराने के लिए। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ है सुनिए ध्यान से। तेजस्वी प्रकाश यहां पर दोस्तों एक थोड़ी सी छोटी मोटी कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गई है, जहां पर अफसाना खान की अगर बात की जाए तो अफसाना खान जो है वो पुलाव बनाती हैं सबके लिए, ठीक है, वो हल्का सा जल जाता है और उसी पुलाव को वो ठीक करती हैं। इस पर दोस्तों अफसाना खान भड़की हैं और वो पीछे पड़ गई है तेजू के लिए। दरअसल सबने एक एक करके अपना खाना खाया और तेजू का लास्ट में बचा था तो वो अफसाना ने ले लिया। ठीक है, अब तेजू यहाँ पे भूखी रह गई, जिसके चलते जो है यहाँ पे झगड़ा हो गया और तेजू ने ये बात बोली थी स्टेज पे कि मैं जो है बड़ी फूडी हूं, बहुत ही ज्यादा मुझे भूख लगती है और ऐसे में मैं जो है कोशिश करूंगी कि मैं घर में खूब खाऊं। उसी चीज को लेकर जो है अफसाना उसको बार बार बोल रही है दोस्तों, और अफसाना खान जो है बार बार तेजू को खाने को लेकर ही टारगेट पे टारगेट कर रही है। ऐसे में आप लोगों को क्या है कहना इस बारे में जरूर बताइएगा, और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज। चलता हूं, अपना ख्याल रखें।